फायदे की तो दोस्तों वीडियो बनाना बनता है। दोस्तों आज मैं आपके लेकर आ गया हूँ प्याजू की तरफ से आने वाला आपे ईसीटी एफएक्स मैक्स इलेक्ट्रिक ऑटो। दोस्तों मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम रेंज, यानी कि इसमें आपको रेंज मिलने वाली है 145 किलोमीटर की और इसमें आपको मिलता है 5.44 किलोवाट का पीक पावर और 29 न्यूटन मीटर का टॉर्क। दोस्तों आज के टाइम में क्या है कि लोगों को लगता है कि ईवी लेना ना बहुत महंगा है, लेकिन आज मैं आपके लिए ऐसी स्कीम लेकर आया हूं, अगर उसके द्वारा आप इसको लेते हो तो दोस्तों काफी कम कीमत और काफी कम किस्तों में आप इसको घर लेकर जा सकते हो। तो स्कीम आपको बताने वाला हूं, ये विद्युत फाइनेंस तरफ से स्कीम आपको मिलती है। तो दोस्तों क्या इसका प्रोसेस है मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। आप देख रहे हैं मोटर एक्सप्लेन। दोस्तों ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो की शुरुआत हम कर लेते हैं। सामने की तरफ आप देखेंगे तो आपको ना काफी बड़ी विंडशील्ड मिल जाती है। बड़ी विंडशील्ड का फायदा यह होता है कि चालक को काफी अच्छी विजिबिलिटी मिल जाती है और उसको साफ रखने के लिए आपको मिल जाता है यहाँ पर बड़ा सा वाइपर। नीचे की तरफ में हम आते हैं तो यहाँ पर हमें आपे ईसीटी की ब्रांडिंग मिल जाती है और यहाँ पर मिलती है एफएक्स मैक्स की ब्रांडिंग। मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम रेंज, यानी कि आपको इसमें रेंज ज्यादा मिलने वाली है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर ड्यूल टोन का सेटअप आपको मिला हुआ है और बीच में दोस्तों आपको छोटा सा प्याजो का लोगो मिलने वाला है जो देखने में काफी प्यारा लगता है। और अगर मैं लाइट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको प्याजो की तरफ से मिलती है हैलोजन लाइट और साथ में ही इंडिकेटर जुड़े हुए हैं। दोस्तों हैलोजन लाइट का फायदा ये होता है कि यानी कि रात के टाइम में इनका थ्रो काफी अच्छा आता है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात मुझे इस गाड़ी में ये लगी, ये जो गाड़ी है पूरी की पूरी मेटल की बनी हुई है, कहीं से कहीं तक फाइबर आपको नहीं मिलने वाला है। फाइबर कहां मिलेगा मैं आपको बता देता हूं, फाइबर आपको मिलने वाला है यहां मडगार्ड पे। दोस्तों इसको देने का कारण है और कारण ये है कि अगर ये मान लीजिए कहीं पे टच होता है तो ये फ्लेक्सिबल फाइबर है, वापस से अपनी जगह पर आ जाता है। दोस्तों अगर बात करूं मैं टायर की तो यहां पर बड़े टायर दिए हुए हैं। बड़े टायरों का फायदा यह होता है कि हैंडल ना काफी ज्यादा स्मूथ चलता है और यहां पर आपको यहां पर बड़े से सोकर मिल जाएंगे। इनका फायदा यह है कि अगर आप इसको उबड़ खाबड़ वाले रास्ते में लेकर जा रहे हो तो आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर मिलने वाली है। अभी मैं आ गया हूँ पीछे की तरफ में, तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएंगे टर्न इंडिकेटर्स जो देखने में ऐसे लगते हैं जैसे किसी गाड़ी के टर्न इंडिकेटर्स हो और यहाँ पर आपको आपे ईसीटी की ब्रांडिंग मिल जाएगी। और दोस्तों ये इसकी डिग्गी बनी हुई है और उसी डिग्गी के अंदर ही आपको 8 किलोवाट आवर की बैटरी दी गई है और यहाँ पर आपको एक बम्पर मिल जाता है कंपनी की तरफ से। दोस्तों पूरा का पूरा बम्पर मेटल का बना हुआ है और जैसा कि मैंने आपसे बात करी थी मोटर की, तो यहाँ पर आपको मोटर मिल जाती है इसकी 5.44 किलोवाट का पीक पावर। दोस्तों और दोस्तों ये मोटर आपको मिलने वाली है पूरी पूरी वाटरप्रूफ, यानी कि पानी वगैरह में आप इसको लेकर जाओगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली है। अगर मैं चार्जिंग पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर आपको एक चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, आराम से इसको चार्ज वगैरह कर सकते हैं। अगर बात करूं दोस्तों मैं चार्जर की, तो इसमें आपको चार्जर मिलता है 2 किलोवाट का ऑफ बोर्ड चार्जर। आगे केबिन दिखाने से पहले एक बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी आप ले लो उसमें 30 से 40% जो पार्ट होता है वो बैटरी का होता है। अब मान लो 30 से 40% बैटरी का पार्ट है तो गाड़ी ना काफी कॉस्टली हो जाती है। अगर मैं आपसे कहूं बैटरी का पैसा हमें नहीं चाहिए, आप लोगों से आप हमसे गाड़ी ले जाओ, मतलब प्याजो का ये गाड़ी ले जाओ या कोई भी ईवी आप ले जाओ, आपको बस गाड़ी का पैसा देना है उसमें लगी बैटरी का नहीं, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? अब आप बोलोगे बैटरी का पैसा कौन देगा, तो दोस्तों बैटरी का हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रेंट चाहिए। तो फायदा क्या होगा इसमें ना, गाड़ी की कीमत कम हो जाएगी। अगर गाड़ी की कीमत कम हो जाएगी तो कम आपको डाउन पेमेंट देनी है, कम किस्तें आएंगी। और दोस्तों इसमें क्या होगा, इसमें ना आपको केवल रेंट देना है और रेंट देना है वो भी किलोमीटर के हिसाब से। और इसमें आपका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें ना आपको लाइफ टाइम फ्री रिप्लेसमेंट की वारंटी हम देंगे। मान लो अगर आपने 1.5 लाख किलोमीटर गाड़ी को चला लिया, चलाने के बाद अगर आपको लगता है कि इसकी बैटरी को बदलने की आवश्यकता है तो दोस्तों इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ना बैटरी बदल के देंगे। ये जो कंपनी है 3 साल की बैटरी वारंटी देती है, पर हमारे यहाँ पर ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं है। जब तक आप गाड़ी चला रहे हो रेंट देते जाओ, बैटरी आपको जब भी लगेगा चेंज करके देंगे। एक तरीके से बैटरी को ना आपने सब्सक्राइब कर लिया, बस रेंट देते जाओ और बैटरी की चिंता भूल जाओ। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात यह है, अगर आप विद्युत फाइनेंस की ये स्कीम लेते हो तो दोस्तों काफी कम कीमत पे आप एक ईवी के मालिक बन जाते हो। फिर किस बात की दोस्तों, आज ही विद्युत फाइनेंस से जुड़िए और अपने सपनों का इलेक्ट्रिक व्हीकल घर लेकर आ जाइए। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके कैबिन के बारे में। तो यहाँ पर हैंडल आपको कुछ इस प्रकार का मिलने वाला, यानी कि काफी अच्छी ग्रिप आपको यहाँ पर मिलने वाली है। यहाँ पर आपको मिलेगा प्याजो का ब्रांडिंग और यहाँ पर आपको स्विच मिल जाएंगे, ये इंडिकेटर के स्विच है, ये हॉर्न का स्विच है, यानी कि काफी लाउड आपको यहाँ पर हॉर्न मिलने वाला है। ये लाइट के स्विच है, हाई बीम लो बीम का स्विच है। यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ भी आपको एक प्याजो का ब्रांडिंग मिल जाएगा और यहाँ पर दोस्तों आपको ना मोड़ मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मोड़ दिए गए हैं, रिवर्स, न्यूट्रल, फॉरवर्ड, बूस्ट। यहाँ पर मिलता है जीपीएस। दोस्तों इसका फायदा यह होता है गाड़ी आपकी कहीं भी चल रही है तो दोस्तों घर बैठे गाड़ी को आप ट्रैक कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि मेरी गाड़ी में कितनी बैटरी बची हुई है, कितनी मेरी गाड़ी और आगे चल सकती है, यानी घर बैठे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दोस्तों 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉट मिल जाता है अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए। जैसे आप दोस्तों इसको ऑन करोगे, ये 1000 स्विच है,
तो आपको ना देखेंगे आप चारों इंडिकेटर गाड़ी के जल जाएंगे। दोस्तों ये है वाइपर का स्विच, इसको ऑन करते वाइपर ऑन हो जाएगा। तो आपको ना यहाँ पर ग्लव बॉक्स दिया हुआ है, लॉकेबल ग्लव बॉक्स है। इसमें आपके जो भी जरूरी कागजात हैं, जैसे कि मान लो आरसी है या इंश्योरेंस है, कोई भी कागज है, यानी कि जरूरी डॉक्यूमेंट्स आप इसमें आराम से रख सकते हो। कि आपको गाने वगैरह सुनने का शौक है तो कंपनी ने ना यहाँ पर स्पीकर के लिए जगह दी हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको ब्रेक के कंट्रोल मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा बोतल रखने के लिए एक बोतल होल्डर। अगर बात करूँ इसके हैंड ब्रेक की, दोस्तों यहाँ पर हैंड ब्रेक आपको दिया गया हुआ है। आपको लगाना कैसे है, इस ब्रेक को प्रेस करेंगे और उसके बाद ही हैंड ब्रेक को खींच लेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर हैंड ब्रेक आपके लग जाएंगे। और दोस्तों ये स्पेयर भी अलग से दिया हुआ है, मान लीजिए गाड़ी अगर चलते वक्त पंचर वगैरह हो जाती है तो दोस्तों आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको यहाँ पर कंपनी ने अलग से एक स्पेयर व्हील का ऑप्शन भी दिया हुआ है। अगर सीटों की बात करो तो यहाँ पर ड्यूल टोन फिनिशिंग के साथ में सीटों को दिया गया है। पीछे वाली सीट भी आपको ड्यूल टोन में मिलेगी और काफी शानदार यहाँ पर आपको स्पेस मिलने वाला है। ये आप देख सकते हैं काफी अच्छा यहाँ पर आपको सीटिंग स्पेस मिलने वाला है। यहाँ पर आपको लेग रूम भी अच्छा खासा मिल जाएगा और यहाँ पर डोर दिए हुए हैं सेफ्टी के लिए। इसमें आपको मिलता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। इसका फायदा यह होता है गाड़ी ने चलते वक्त भी आपकी ऑटोमेटिक चार्ज होती रहेगी। वो होगी कैसे, जैसे कि मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हो, आपने थ्रोटल को दिया हुआ है, आपको क्या है जैसे बीच बीच में थ्रोटल को छोड़ोगे तो गाड़ी ना ऑटोमेटिक आपकी यहाँ पर चार्ज होती चली जाएगी। और दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है हील होल्ड असिस्ट। उसका फायदा यह होता है कि गाड़ी मान लीजिए आपकी चढ़ाई की तरफ चल रही है तो दोस्तों गाड़ी ना बैक नहीं आती। दोस्तों मैंने जो है गाड़ी के बारे में सारे फीचर्स आपको बता दिए हैं। अगर दोस्तों मुझसे कुछ छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और सबसे खास यहाँ पर मुझे लगा विद्युत का ये स्कीम काफी अच्छी है। स्कीम में यानी कि काफी कम कीमत में आप जो है एक ईवी के मालिक बन सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर आपको बैटरी की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, जब तक आप गाड़ी चला रहे हो जब तक उसका रेंट देते रहो और बैटरी बदलने की कोई भी चिंता आपको यहाँ पर नहीं करनी है। दोस्तों जल्दी जाएं और दो विद्युत फाइनेंस की स्कीम लें और दोस्तों अपने सपनों का ईवी घर लेकर आ जाएं और आराम से दोस्तों अपने घर का पालन पोषण करें। आपसे मिलता हूं दोस्तों मैं आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, नमस्कार और धन्यवाद।